लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सियासी गलियारे में आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, जिलों की भी जरूरी खबरों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पुलिस बिल अधिनियम पर सदन में जबरदस्त हंगामा, विपक्ष ने फाड़ी संकल्प की प्रतियां। उंगली दिखाने को लेकर स्पीकर ने विपक्ष को चेताया, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कैबिनेट में शामिल दागी मंत्रियों का उठाया मुद्दा। दरभंगा जिले में बड़ा हादसा, स्कूल में दौड़ा करंट, पहली कक्षा की बच्ची की मौत। वहीं पटना में दिन दहाड़े लूट लिए एटीएम के 9 लाख कैश, और राजधानी में कल से लगेंगे चौके छक्के। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का शुक्रवार को 19वां दिन था, लेकिन आज भी सत्र हंगामे की भीड़ चढ़ गया। विधानसभा की पहली पाली की कार्यवाही तो ठीक ठाक चली, लेकिन दूसरी पाली में इतना ज्यादा हंगामा हो गया कि मंगलवार की सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दरअसल पुलिस अधिनियम बिल 2021 को पेश किया गया, इसमें कई बिंदुओं पर विपक्ष की सहमति नहीं थी। इसे संशोधित करने की मांग को लेकर विपक्ष विधायक हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए। वे संकल्प पत्र को फाड़कर अध्यक्ष की ओर फेंकने लगे। अध्यक्ष ने चेतावनी दी, नहीं मानने पर विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी। शनिवार और रविवार को सरकारी अवकाश है, जबकि सोमवार को बिहार दिवस की छुट्टी है। बिहार के सियासी गलियारे में इन दिनों बजट सत्र की उंगली सुर्खियों में है। दरअसल दो दिन पहले बजट सत्र में बहस के दौरान मंत्री सम्राट चौधरी ने स्पीकर पर बड़ी टिप्पणी कर दी थी। आरोप यह भी लगा कि वे स्पीकर की ओर उंगली दिखा रहे थे। इस पूरे वाकये से स्पीकर विजय सिन्हा काफी मर्माहत थे। बाद में सम्राट चौधरी के माफी मांगे जाने पर मामला शांत हुआ, लेकिन आज बजट सत्र में एक बार फिर उंगली की चर्चा हो गई। आज जब विपक्षी विधायक पुलिस अधिनियम बिल का विरोध करते हुए वेल में आ गए, तब स्पीकर ने विपक्ष के सदस्यों को चेताया, दो टूक कहा कि गलती मत कीजिएगा, मेरी तरफ उंगली मत दिखाइएगा। दागी मंत्रियों को लेकर आज सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में दागी मंत्रियों की लिस्ट लेकर पहुंचे थे। पूरे 27 पेज की लिस्ट थी, इसे स्पीकर विजय सिन्हा को सौंपा गया। उसके पहले उन्होंने विधानसभा कैंपस में मीडिया से बातचीत में दागी मंत्रियों को लेकर नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, वर्तमान नीतीश कैबिनेट में 64% से ज्यादा मंत्री दागी है। ADR रिपोर्ट के अनुसार 31 मंत्रियों में से 18 मंत्रियों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। उन्होंने मंत्री रामसूरत राय को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार अपने मंत्री को बचा रही है। बिहार में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। नया मामला राजधानी पटना में हुआ है। पटना के पॉश इलाके में अपराधियों ने दिन दहाड़े एटीएम बूथ पर हमला कर 9 लाख रुपए लूट लिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार काले रंग की पल्सर बाइक पर सवार होकर तीन बदमाश आए और घटना को अंजाम दिया। घटना के वक्त कैश वाहन से गार्ड रुपए का बैग लेकर एटीएम में जमा करने जा रहा था। गार्ड ने बैग देने से मना किया तो उसे गोली मार दी। गार्ड को अस्पताल में एडमिट कराया गया। SP सिटी सेंट्रल विनय तिवारी के अनुसार तीन लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया है। अपराधी 9 लाख रुपए लेकर भागे हैं। गार्ड से छीनी गई राइफल को बरामद कर लिया गया है। बिहार के दरभंगा में आज बड़ा हादसा हो गया। स्कूल के गेट में बिजली का करंट आने से हंगामा मच गया। इसकी चपेट में दर्जन भर से अधिक बच्चे आ गए। बच्चों को बचाने में दो महिला टीचर को भी करंट लगा है। इसमें पहली कक्षा की बच्ची चंचल कुमारी की मौत हो गई है, बाकी बच्चों की भी स्थिति स्थिर बनी हुई है। इस मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 7 प्रखंड शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि प्रधानाध्यापक के निलंबन के लिए दरभंगा के DM को पत्र लिखा गया है। प्रधानाध्यापक हरे कृष्ण सिंह मौके से फरार हो गए हैं। पटना में आज इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने की। उन्होंने कहा कि पानी में अनाज के भींग जाने पर अब किसानों को सिर पकड़ने की जरूरत नहीं होगी, इससे इथेनॉल बनाया जा सकता है। बिहार में गन्ना, मक्का,
टूटे चावल और सड़े हुए अनाज से इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकेगा। इस नीति के तहत सूबे के 38 जिलों में प्लांट लगाने की योजना है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल पॉलिसी को लॉन्च करने वाला बिहार देश भर में पहला राज्य बन गया है। बिहार में यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। बिहार में एक बार फिर कोरोना संक्रमण लोगों को डराने लगा है। सरकार ने रोज रोज के बढ़ते आंकड़ों के बाद लोगों को अलर्ट कर दिया है और परहेज से रहने को कहा है। बिहार में नए सिरे से माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। केवल पटना में 9 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। वहीं कोसी सीमांचल जोन में कोरोना से नए साल में पहली मौत हुई है। मामला अररिया का है। सिट्टी प्रखंड के कोआको पंचायत में 70 वर्षीय महिला की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इसे लेकर शनिवार को सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों समेत सभी कर्मियों की छुट्टी 5 अप्रैल तक के लिए रद्द कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए इसकी रोकथाम और बचाव के लिए ऐसा किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 22 मार्च को बिहार दिवस पर एक्चुअल कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। सारे कार्यक्रम वर्चुअल होंगे। मुजफ्फरपुर में वेतन की मांग को लेकर एसकेएमसीएच के नर्सिंग स्टाफ ने आज प्रदर्शन किया। वे लोग कार्य बहिष्कार कर मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। नर्सिंग स्टाफ के अनुसार सरकार की ओर से राशि आवंटित कर दी गई है, लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। करीब 7-8 माह से वेतन भुगतान को पेंडिंग रखा गया है। उनका कहना है कि हम सब किस मुसीबत से काम कर रहे हैं, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा हम लोगों का वेतन भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। और अंत में खेल की खबर। पटना में कल से खूब लगेंगे चौके छक्के। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए 1983 के सुपरस्टार क्रिकेटर कपिल देव आ रहे हैं। दरअसल आईपीएल की तर्ज पर पटना में कल शनिवार से बीसीएल यानी कि बिहार क्रिकेट लीग शुरू हो रहा है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस टूर्नामेंट के सारे मैच पटना स्थित ऊर्जा स्टेडियम में खेले जाएंगे। 26 मार्च को इसका पहला फाइनल मैच होगा। इसमें अंगिका एवेंजर्स, पटना पायलट्स, दरभंगा डायमंड्स, भागलपुर बुल्स और गया ग्लेडिएटर्स की भी टीमें भाग ले रही हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।